से मतलब सेंटिमेंट जुटा हुआ है पद्मावती जी से, माँ का स्वरूप मानता है वहाँ पर, सती हो गई थी। इतिहास के साथ आप मानते सर, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर, नहीं करना चाहिए ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मन में तरह तरह की अंदेशा है, क्या देखा देगा क्या बात। ये कहावत उस वक्त रेवाड़ी में सच हो गई जब एक ट्रक चालक मौत के मुंह में जाते जाते बाल बाल बच गया। जी हाँ, धूं धूं कर जल रहे इस ट्रक में शायद चालक जलकर राख हो जाता अगर वो चाय पीने के लिए ट्रक से नीचे ना उतरता। तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे की हैं, जहाँ एकाएक खड़े ट्रक ट्राले में आग लग गई। रेवाड़ी के आसलवास गाँव के पास ट्रक चालक चाय पीने के लिए उतरा था और जैसे ही वो ट्रक से नीचे उतरा ट्रक में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ही ट्राला जलकर राख हो गया। घटना का पता चलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके ड्राइवर तो चाय पीने के लिए चले गए थे और ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गया, बैटरी जल गई या जहाँ से हुआ है, हम तो 2 मिनट बाद आए थे। अब इस पर फायर ब्रिगेड आई है, काबू कर लिया आग है, अब सारा ये साइड में लगी हुई थी गाड़ी, खड़ी थी पहले से ही। फिलहाल आग लगने का कारण ट्रक की बैटरी के फटने को माना जा रहा है, बाकी आग लगने के कारणों की जाँच अभी जारी है। नागपुर के नाम से मशहूर जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर और इंदौरा में नींबू प्रजाति के फलों पर मौसम की मार पड़ी है। इस बार किन्नू और संतरे से रस और मिठास गायब है, आकार भी सही नहीं बन पाया है। इससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है, ऊपर से सिट्रस डेकलाइन बीमारी ने भी उत्पादन पर असर डाला है। सिट्रस डेकलाइन बीमारी के कारण हर साल नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है। पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है और इसकी रंगत भी में भी कुछ कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए कोप्रोक्स क्लोराइड का घोल जो है वो स्प्रे करना चाहिए समय पर, और पानी को समय समय पर इसको पौधों को देना, सिंचाई करनी चाहिए। वहीं बगीचों की सौदेबाजी के लिए व्यापारियों और आढ़तियों ने दस्तक दे दी है। बाजार में छोटे नागपुरी किन्नू की छिटपुट आमद शुरू हो गई है। शुरुआती सीजन में किन्नू बाजार में 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि एक अदद बारिश के बाद फलों का रंग निखरने के बाद बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में श्री श्री रविशंकर ने राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य मौलाना रशीद फरंगी से मुलाकात की। दोनों ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात की है और कहा कि अदालत का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन अदालत दिलों को नहीं जोड़ सकता। आपसी बातचीत से ही मतभेद दूर हो सकते हैं और हम दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सभी संभावना है, इसमें कोई चीज हमने ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि हम कोई एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए आप लोग समय दीजिए, बहुत जल्दीबाजी मत करिए। हम लोग सब मिलके सभी लोगों से बातें करेंगे, इसमें सिर्फ 2 जनों की बात नहीं, 10 जनों की बात नहीं, काफ़ी लोग, रेणुमा के लोग, धार्मिक लोग इकट्ठे होएंगे, सबसे बातचीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है देश के लिए कुछ बहुत बड़ा चीज़ इससे निकलेगी, बढ़िया चीज़। जो भी आप यहाँ पैगाम आज देने आए हैं, यहाँ से जो पैगाम जाएगा इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा असर होगा, और इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल बैठ करके आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करें और दोनों मिलकर अपने इस अजीम शान मुल्क को अमन और शांति की राह पर और तामीर और तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। आपको बता दें कि रविशंकर इससे पहले अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के धीरेन्द्र दास और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले थे। पंजाब